हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि छिपकली के जो है पूंछ कट जाने के बाद भी वो वापस क्यों आ जाते हैं और बाकी जीवों के साथ दोस्तों ऐसा क्यों नहीं होता है। स्वागत जानते हैं दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ। दोस्तों, छिपकली को एक सरीसृप तथा निशाचर जीव माना गया है क्योंकि ये रात को जो है काफ़ी सक्रिय होते हैं दोस्तों, और ये पेट के बल रेंग कर चलता है। इनकी जीभ तथा नाक एक ही साथ स्थित होती है, इसी कारण वो अपने शिकार को पकड़ने के पहले जीभ बाहर निकाल कर सूंघती है और फिर उसे जीभ में पकड़ कर जो शिकार उसका करती है। दोस्तों, ये डायनासोर की प्रजाति का माना गया है। कुछ छिपकलियाँ तो रंग भी बदलने में माहिर होती हैं दोस्तों, जैसे कि गिरगिट आपका हो गया, ये भी एक प्रकार का छिपकली का ही प्रजाति है। दोस्तों, घरेलू छिपकली का वैज्ञानिक नाम लेसोटिलिया है, जबकि जंगली छिपकली का नाम वैज्ञानिक नाम हेमोडक्टिलस फ्लेवरिडस है। दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जो है इसे लक्ष्मी का भी रूप माना गया है घरों में दोस्तों, क्योंकि जब ये रहती है तो किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े घर में जो है वास नहीं करते हैं और घर काफ़ी शुभता का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसकी पूंछ क्यों बढ़ जाती है, तो इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि इनमें जो है रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है दोस्तों। लेकिन ये धारणा गलत है कि बाकी जीवों में जो है रीजनरेशन की क्षमता नहीं पाई जाती है। मनुष्यों के लीवर में भी रीजनरेशन की जो है क्षमता पाई जाती है, लेकिन बाकी अंगों में जो है रीजनरेशन की क्षमता उनमें नहीं पाई जाती है। लेकिन समुद्री कुछ जीव भी हैं जिनमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, जैसे ऑक्टोपस हो गया दोस्तों आपका जो है, इन सबों में जो है रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। इनके पूछ बढ़ने के बाद वापस आती है क्योंकि रीजनरेशन की विशेष क्षमता पाई जाती है। जब इसकी पूछ कटती है तब खून नहीं निकलती है बल्कि खून का थक्का बन जाता है, वहाँ रीजनरेशन के सेल्स अपने आकार ले लेती है और फिर वह दोबारा उसी स्थान पर पूछ का आकार ले लेती है। लेकिन छिपकली के अलावा कुछ जीव भी ऐसे हैं जो रीजनरेशन की क्षमता, जैसे ऑक्टोपस हो गया, हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया इटीसी, मनुष्य में यह क्षमता लीवर में पाया जाता है। सो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर। थैंक यू दोस्तों।